पहाड़ों की सुंदरता, यहाँ का ठंडा मौसम, नदी का कलकल करता पानी, मन को मोह लेने वाली शांति और प्रकृति के पास रहने का अनुभव सोचकर ही दिल को सुकून का एहसास दिलाता है। पर ये सारी बातें किसी पर्यटक के नज़रिए से देखने पर ही अच्छी लगती हैं, जबकि किसी स्थानीय निवासी के लिए यहाँ की परिस्थितियाँ उतनी ही भयावह और निराशाजनक बनाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे ही सांकरी रेंज इलाके की, जो जाना तो अपने आसपास के सौंदर्य के लिए जाता है, पर शायद ही कभी किसी ने यहाँ की रोज़मर्रा की परेशानियों को देखने, दिखाने या समझने का थोड़ा सा भी प्रयास किया हो। पहाड़ों की ज़िंदगी दूर से देखने में जितनी सुंदर और मनमोहक दिखती है, असल में वहाँ के मूल निवासियों के लिए उतनी ही सच्चाई से दूर होती है। मैं ग्रामवासी गंगार का हूँ और यहाँ पे जो कि रोड और बिजली, टेलीफोन, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये कोई भी संसाधन नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो है आदि मानव के जैसे यहाँ पे जी रहे और सरकार हम को देखने को राजी नहीं है। हमने वोट बंद किया है, वोट नहीं दिए है और इसके बाद आगामी मिशन 2019 के पे हम जो है वोट डालने को राजी नहीं, यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती। वैसे तो हमारे दल का उद्देश्य किसी भी आम पर्यटक की तरह हर की दून तक जाने और वहाँ की सुंदरता, टेढ़े मेढ़े रास्ते को फिल्माने का ही था, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वहाँ की कठिनाइयों को गहराई से महसूस करते गए। मैं ग्राम पंचायत गंगाड़ का निवासी हूँ और हमारे 4 गांव आते हैं, इसमें से कुल 1700 वोटर हैं और हम लोग रोड, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन आधारभूत मूल सुविधाओं से वंचित हैं। अगर हमारी ये मूल समस्याएं पूरी ना हुई तो लोकसभा 2019 का मिशन के लिए भी हम जो है वोट बंद करने को तैयार हैं। रास्ते में बीच बीच में वहाँ के स्थानीय निवासियों से बातचीत में वहाँ की असली समस्याओं के बारे में पता चला। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता गया, हर उम्र और अलग अलग तरह के लोगों से सामना हुआ। कोई साधन नहीं है भैया हमारे पास, तो सब जैसे पहले आदि मानव नहीं रहते थे, बहुत सारी परेशानियाँ। जानकारी लेने पर लगभग हर इंसान की परेशानियाँ एक सी ही लगी। लोग तो बस बिजली, सड़क और पानी की ही प्राथमिक मांग करते हुए दिखे। इन सब से आगे की सुविधाओं के बारे में सोचना तो जैसे उनकी समस्याओं की लिस्ट में शामिल ही नहीं। ये तो जी हमें रोड की परेशानी है नंबर एक, और एक हमारे यहाँ पानी देखो इस खड, कभी कभी जब कमी होती इसी खड से पानी पीते हैं। सरकार ने शौचालय के पैसा दिया कुल 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपये यहाँ भाड़ा सीमेंट चौकटे सीमेंट और सरिया भाड़े में पहुँचती है यार, ताकि क्या वो शौचालय, और उसके लिए भी तो पानी चाहिए। पानी की कमी है, शिक्षा की कमी है, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, और हमें पुराने जमाने में पेड़ मिलते थे ऐसा फ्री ग्रांट मकानों के लिए, तभी मकानों का या कहीं घिर गया या सड़ गया ये भी तब बना रहे थे हम, और वो भी हमारे लिए ये उन्होंने क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, राष्ट्रीय पार्क बना दी कि जी यहाँ पर मिट्टी खोदना भी बंद है, लकड़ी लानी बंद है। अब हम लोग जाए का हमने कहा या तो हमको बिस्तर बंद करो नीचे, हमको जो हमारे हकूब है पहले के जैसे वैसे करो। वैसे तो लोगों ने खुद को आदिम युग के माहौल में जीने लायक ढाल लिया है, पर कभी कभी उनको भी इस बात का एहसास हो ही जाता है कि अगर उनके पास थोड़ी सी भी बाहरी सुविधाएं उपलब्ध होती तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती थी। अब जो पैसा वाला किसी के पास भेड़ बकरी का पैसा आ जाता है तो अपने बच्चे जो पुरोला या मोरी ले जाता है पढ़ाने के लिए। अब इस साल तो खैर सरकार ने यहाँ एक हाई स्कूल खोला है, टीचर पहले टीचर ही नहीं रहता था यहाँ कोई भी नहीं, और इस साल टीचर है, एक दो तीन टीचर तो है, अब बच्चे भी है इस साल। फिर बाकी जो बकरी चुंगाता कोई कहाँ जाता अपने धंधे में, कोई ऐसा है आपके जैसा ये बोझा ढोलता है खैर अपना गुजारा निकालता है। यदि हमारे लिए रोड आ जाए तो हम अपनी जमीन से
सब कुछ अपना पेट पाल सकते हैं। सरकार से अपनी समस्याओं की लड़ाई लड़ते लड़ते जब लोग परेशान हो गए तो उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को वोट न देने का फैसला किया, जिसको कि वहां के आसपास के 4 गांवों ने अपना समर्थन भी किया। ओसला, ढाटमेर, गंगाड़ और पवाड़ी, ये वो 4 गांव हैं जिन्होंने 2014 में किसी भी राजनीतिक दल को अपना वोट नहीं दिया और वो आगे भी वोट नहीं डालने के पक्ष में हैं, जब तक कि उनकी आधारभूत जरूरतें पूरी नहीं कर दी जाती। मान लीजिए कोई किसी गरीब आदमी को चोट लग गई, तो ऐसा तो जमाने हमारा यहाँ ये रीति रिवाज है कि उससे मतलब पैसा नहीं लेगा, 10-12 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर पालकी बनाएंगे, खाद टाइप ना, खटोला टाइप। तो उनका कहना है कि भाई हम पैसा तो लेंगे ना, खाना तो तुझे खिलाना पड़ेगा, हमें अब सांकरी जाएगा तो सोने का खाने का पैसा तो देना ही पड़ेगा, उनका पालों का भी खाना है, सांकरी भी खाना है। तो फिर उसको पालगी करके, या कोई विधवा ये और होता है डिलीवरी वाली, उसको भी फिर ऐसा पालगी करके, और कोई लोग जो उठाते उठाते सांकरी तक मर ही जाते। चाहिए हमारे लिए लाइट होनी चाहिए हमारे लिए, हम ऐसा को भूत के भूती रहा, भालू के जैसी भालू रहा हम पहाड़ के क्षेत्र में। सरकार को हम कितना ही सहायता करा, सरकार ने हमारा तरफ ध्यान नहीं करा। कांग्रेस रहा, भाजपा रहा, आज तक इंदिरा गांधी से तक, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुई तब से हमारे यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है, 4 गाँव के लिए कोई वैल्यू नहीं है। हम सेंचुरी में है तो कैसी 4 गांव सेंचुरी में रहा, कैसी पति पर्वत में रूढ़ गया, लेवाड़ी रूढ़ गया, ये पार्क में नहीं है। कैसे हम 4 गांव रहा पार्क में, कैसी इतना लोग कैसे ये नहीं है पार्क में। पार्क में तो हम तीनों रेंज है, सांकरे रेंज, सुमपेर रेंज, रूपिंड रेंज, 3 रेंज पार्क में है। तो कैसे इनके लिए गए रूढ़, कैसे हमारे लिए रूढ़ नहीं आ रही। गांव की औरतों से बात करने पर उनकी स्थिति और भी बदतर और मुश्किल नजर आई। गांव की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं ज़्यादा मेहनती और जिम्मेदार नजर आईं। घर से लेकर जानवर और खेतों का सारा काम इनके ही जिम्मे रहता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना उनकी ज़िंदगी को और कठिन और बदतर बना देती है। तो हमको यहाँ से स्थापित कर देंगे सरकार, ये भी ठीक है, तो अब यहाँ चिड़िया को पालेगी, इंसान को यहाँ से भगा दे, और ना तो हमको जो है रोड दे देगी।